सेक्टर 1 भिलाई के पंत स्टेडियम में राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल मैच का आयोजन किया जा रहा है। यहां हर रोज 1 से 2 मैच खेले जा रहे हैं। 8 अप्रैल को इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला जाएगा। पंत स्टेडियम भिलाई में राष्ट्रीय स्तर के महिला फुटबॉल मैच में बतौर मुख्य अतिथि महापौर नीरज पाल पहुंचे, जहां उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बुलंद किया। उन्होंने सभी खिलाड़ियों से परिचय लेते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ की धरा पर आने की बधाई दी तथा खिलाड़ियों का कुशल क्षेम भी पूछा और जीत की शुभकामनाएं भी दी। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 6 अलग अलग राज्यों की टीमें भिलाई में फुटबॉल मैच के लिए पहुंची हैं। छत्तीसगढ़ 27वीं महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए लद्दाख, दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर एवं मध्य प्रदेश के खिलाड़ी भिलाई में पहुंचे हैं। 8 अप्रैल को इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला जाएगा। छत्तीसगढ़ की भूमि पर आकर अन्य राज्यों के खिलाड़ी काफ़ी प्रसन्नचित्त हैं। सुबह 8 बजे एवं शाम 4 बजे मैच का आयोजन शेड्यूल के अनुरूप हो रहा है। मैच को लेकर खिलाड़ियों में काफ़ी उत्सुकता है तथा हर खिलाड़ी अपने टीम को जिताने की कोशिश में अपना अपना शत प्रतिशत प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। देखिए, बतौर मुख्य अतिथि जो है माननीय महापौर जी, सेक्टर 1 जो पंत स्टेडियम में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल मैच जो हो रहा है उसमें शरीक हुए थे। खिलाड़ियों के हौसला बढ़ाने के लिए जो है उन्होंने खिलाड़ियों से उनके जो शुभकामनाएँ दी जीत के लिए, उसके अलावा उनसे परिचय लिया। इसमें जो है अलग अलग 6 राज्यों के जो महिला खिलाड़ी हैं वो अभी आए हुए हैं, क्योंकि 8 अप्रैल तक जो है वो मैच चलना है। 8 अप्रैल को अंतिम तिथि होगी जिसमें मैच में विजेता की घोषणा भी हो जाएगी। महिला खिलाड़ियों में ये रहता है कि घर से निकलना थोड़ा सा उनके लिए तकलीफदेह रहता है कि अन्य राज्यों में जाएँ कैसे जाएँ, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो परम्परा है, संस्कृति है, जो माहौल है, उसको लेकर के जो है लोगों में काफ़ी उत्सुकता रहती है और ख़ासकर भिलाई को लेकर के। तो इसमें ये है कि जो महिला खिलाड़ी हैं वो यहाँ पे आके बहुत खुश हैं और अपना खेल अभ्यास कर रहे हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश जैसे शहरों से जो है महिला खिलाड़ी आए हुए हैं जो खेल का अभ्यास कर रही हैं। इस प्रकार से जो देश भर है उसमें हर अलग अलग राज्यों में इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय खेल हैं महिला फुटबॉल के वो चल रहे हैं, और यहाँ पे जो महिला खिलाड़ी हैं वो सब जो एक एक जो खिलाड़ी हैं वो अपनी टीम को जिताने के लिए प्रयासरत हैं। एक दिन में जो है एक मैच का आयोजन हो रहा है, दूसरे दिन 2 मैच का आयोजन हो रहा है, अल्टरनेट फिर तीसरे दिन 1 मैच का, वैसा ही प्रोग्राम का जो शेड्यूल है उसके मुताबिक मैच हो रहे हैं। सुबह जो मैच होता है उसके अलावा शाम को भी 1 मैच होता है। इस प्रकार से महिला खिलाड़ी जो हैं दमखम के साथ में जो है उतरे हैं मैदान पर, जीत की कोशिश में लगे हुए हैं। माननीय महापौर जी ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने सभी को बधाइयां दी हैं, और सभी महिला खिलाड़ियों से उन्होंने परिचय लेकर के उनके व्यक्तिगत हाल चाल जाना, और यहाँ पर जो पवन धरा पर जो छत्तीसगढ़ के भिलाई में आए हैं उनसे सभी को उनको लेकर के बात की कि आपको यहाँ पे आने पे कैसा लग रहा है। ये सब तमाम सारी चीज़ें जो है माननीय महापौर जी के द्वारा की गई। महापौर के साथ खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए छत्तीसगढ़ फुटबॉल संघ के महासचिव JD गांधी तथा सहायक महासचिव मोहन लाल भी मौके पर मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।